देखिए बेटा आपको यह दिख रहा होगा यह सर्किट जो है यह आपका पीएन जंक्शन डायोड और जेनर डायोड दोनों के के लिए लिए है जेनर की बाद में बात करेंगे पहले के लिए। so, पहले पीएन जंक्शन सो सबसे आपको डिफरेंट चीजें समझनी होंगी जो इसमें है पहले आपको यहां देखो वोल्टेज एक वोल्ट मीटर दिख रहा है यह एक एमीटर दिख रहा है यह दो वोल्ट मीटर है यह दो हैं कैसे जरा ध्यान दो इसकी रीडिंग्स पे इसमें अगर आप ध्यान से देखो जीरो पॉइंट टू पॉइंट फोर पॉइंट सिक्स पॉइंट एट वन नीचे जीरो ट्वेंटी फोर्टी सिक्स एटी हंड्रेड को इस नॉब को हम लोग 1 पे सेट कर देंगे ऊपर की तरफ तो ये जीरो से वन वोल्ट तक की रीडिंग्स लेगा और जब मैं इसको हंड्रेड पे सेट कर दूंगा तो जीरो से हंड्रेड वोल्ट तक की रीडिंग लेगा तो ये अपर नॉब मतलब ये ऊपर वाला वोल्ट मीटर काम करेगा नीचे कर दिया तो जीरो से हंड्रेड वाला वोल्ट मीटर काम करेगा सेम विद एमीटर अगर आप एमीटर को ध्यान दो सो so एमीटर में भी आपको दो दिख रहे होंगे तो ऊपर कर दिया 50 मिली वाला एमीटर काम करेगा नीचे करूंगा तो वन मिली एमपियर तक का एमीटर काम करेगा ठीक है सो so ये जो दो नॉब्स आपको दिख रही है दिस इज जस्ट फॉर स्विचिंग बिटवीन एमीटर्स एंड वोल्ट मीटर्स क्लियर पॉइंट नंबर टू ऑन ऑफ स्विच है और कुछ नहीं यहां पे आपको दो सोर्स दिख रहे होंगे एक ये वाला और एक ये दो सोर्सेस हैं बैटरी के देखो पावर सप्लाई जीरो टू वन वोल्ट डीसी इसके अक्रॉस वन वोल्ट तक की मैक्सिमम वोल्टेज मिलेगी जीरो से आप इंक्रीज कर सकते हो वन वोल्ट तक इसके अक्रॉस कनेक्ट करोगे तो जीरो से सौ वोल्ट तक की डीसी मिलेगी तो आप चेंज कर सकते हो इसके अक्रॉस कनेक्ट करूंगा तो वन वोल्ट इसके अक्रॉस करूंगा तो सौ वोल्ट Forward bias में low voltage use होती है तो ये ये करेंगे। करेंगे। में में होती होती है है है? है है। तो तो ठीक क्यों जो वो आपका 60, 70 volt के आसपास आता तो इसलिए आप रिवर्स बायस में हाई वोल्टेज यूज कर सकते हो कनेक्शन करेंगे कैसे कनेक्शन इन, इनसे करेंगे ये आपकी वायर्स हैं, किसी भी दो में घुस जाती है वहां कनेक्शन हो जाता है ठीक ये तीन सर्किट है एक दिख रहा है फॉरवर्ड बायस का एक रिवर्स बायस का एक जेनर जेनर अभी नहीं अगली क्लास में पहले फॉरवर्ड एंड रिवर्स फॉरवर्ड बायस की जब हम बात करेंगे तो आप देखो ये पी साइड है मतलब ये पी साइड है और ये एन साइड है मतलब ये एन साइड है अब जब भी हमें वोल्टेज को मेजर करना है या फिर जब भी हमें वोल्टेज निकालनी होती है तो हम क्या करते हैं पैरल में वोल्ट मीटर लगाते हैं और सीरीज में एमीटर लगाते हैं तो इसका सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा आप ध्यान से देखिए जब हम बायस का सर्किट डायग्राम बनाएंगे तो ये एक बैट ये हमारा पीएन जंक्शन पीएन जंक्शन बायस है तो पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड जब हमें बैटरी चाहिए जब हमें करंट देखना है तो हम सीरीज में एमीटर लगाते हैं एमीटर सीरीज में कनेक्टेड होता है और पैरल में वोल्ट मीटर कनेक्टेड होता है और नो सो में मैंने वोल्ट मीटर लगाया अब प्लस माइनस का थोड़ा ध्यान रखना है ये पी टाइप है करंट यू फ्लो करेगा ड्रॉप होता है प्लस माइनस प्लस माइनस तो पी टाइप से आप वोल्ट मीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे एन साइड से एमीटर वोल्ट मीटर का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट करोगे तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे सबसे पहला काम हम पैरल में वोल्ट मीटर लगा देंगे पैरल में वोल्ट मीटर लगाने का मतलब देखो ये फॉरवर्ड बायस था ये पी टाइप था पी टाइप को वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड और एन साइड को वोल्ट मीटर के नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया तो ये बेसिकली हमने पैरल में वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर दिया और कुछ नहीं किया पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन टाइप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी हमने पैरल में वोल्ट मीटर कनेक्ट करा सीरीज में एमीटर जरा ध्यान दो आप इधर अगर ध्यान दो तो नेगेटिव टर्मिनल से आप एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करते हो सो so ये नेगेटिव टर्मिनल एन साइड को एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया सो so हमने किया क्या पैरल में लगाया वोल्ट मीटर ताकि वोल्टेज मेजर हो सके सीरीज में लगाया एमीटर ताकि करंट मेजर हो सके अब इसके बाद एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल हम फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं तो लो वोल्टेज यूज करेंगे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल से और पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से तो पी टाइप पॉजिटिव टर्मिनल से सो so, ये दोनों वायर्स क्या कर रही है बैटरी कनेक्ट करा इन दोनों से पैरेलल में वोल्ट मीटर ये सीरीज में एमीटर अब जरा ध्यान देते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा सर्किट को हम पहले जीरो वोल्ट पे रखा वन वोल्ट मैक्सिमम तक चल रहे हैं क्योंकि ये चाहिए पहले वन मिली एमपीयर मेजर करेंगे बाद में पचास तक जाएंगे ऑन कर दिया मैंने ध्यान देंगे एमीटर और वोल्ट मीटर पे जैसे जैसे-ऐसे मैं इस नॉब को रोटेट करूंगा जीरो से बढ़ाना शुरू किया अब देखो वोल्टेज बढ़ रही है करंट बढ़ रहा है यहां पे करंट के, वोल्टेज है पॉइंट टू करंट कितना है पॉइंट टू वोल्टेज हुई पॉइंट फोर करंट है पॉइंट फोर वोल्टेज 0.5 करंट देखो एकदम से बड़ा वन मिली एम्पियर हो गया ये क्या हो नी वोल्टेज आ गई इसका मतलब ठीक है ना देखो आपने वोल्टेज पॉइंट दोनों सेम चल रहे थे उसके बाद जैसे ही बढ़ाया इसको पॉइंट फाइव किया वो पॉइंट सिक्स हो गया उसके बाद पॉइंट फाइव से थोड़ा सा आगे गया देखो वो वन मिली एम्पियर पहुंच गया इसका मतलब करंट एकदम से शूट अप कर रहा है करंट शूट अप कर रहा है मतलब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है आपका नी वोल्टेज क्लियर है इतनी बात फॉरवर्ड बायस का सर्किट समझ में आ गया आ जाते हैं रिवर्स बायस में सम को खोल देते हैं रिवर्स बायस का सर्किट कैसा बनेगा पहले सर्किट की बात करते हैं रिवर्स बायस में ये आपके पास डायोड दोबारा बना दो ये आपके पास एक डायोड

तो अगर आप इस सर्किट को पहले अपनी कॉपी में बना लो ताकि आप साथ साथ देख सको बना लिया अब देखो साथ साथ। मैंने क्या किया सबसे पहले पी टाइप से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्टेज वोल्त मीटर ये रिवर्स पाइस का नीचे वाला है पी से नेगेटिव टर्मिनल और एन से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वोल्ट मीटर वोल्टी वोल्ट मीटर कनेक्ट हो गया फिर साइड से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर एन साइड से एन साइड ये एन साइड से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ एमीटर ठीक है जी और फिर एमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और पी साइड से नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अब ये हाई वोल्टेज यूज करी है मैंने समझ में आई अब देखते हैं जरा इसमें करंट्स पे कैसे इफेक्ट होता है इसको ऑन करते हैं वोल्ट मीटर पहले 100 वोल्ट क्योंकि हाई वोल्टेज यूज होती है करंट पहले 1 मिली एमपियर तक देखेंगे फिर 50 करेंगे क्योंकि लीकेज होगा तो 1 मिली एम्पियर काम आएगा अब हम इसको बढ़ाएंगे ये वोल्टेज बढ़ी करंट बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है करंट बढ़ रहा है देखो चालीस वोल्ट कर दिया बहुत कम करंट है पॉइंट सिक्स है सिर्फ मतलब ये लीकेज करंट है वन तक तो ऐसे ही गया क्योंकि ये लीकेज करंट है फिफ्टी तक कर देते हैं इसको अब देखो करंट नाम के लिए बड़ा सिर्फ बहुत कम बिल्कुल भी नहीं बढ़ा इसका मतलब इसमें सिर्फ लीकेज करंट है ये हमने ब्रेकडाउन नहीं शो किया ब्रेकडाउन पे वर्क करने वाली जो बैटरी जो आपकी डायोड होती है उसको बोलते हैं जेनर डायोड देख लो उसको भी सेम डायोड है बिल्कुल सेम नेगेटिव टर्मिनल नीचे वाली है ये ब्रेकडाउन में भी काम करती है अब देखो आपने करंट बढ़ाया वोल्टेज बढ़ाई करंट एकदम से बढ़ गया बढ़ गया ना तो यानी ये ब्रेकडाउन हुआ देखो पहले वन मिली एंपियर तक देखते हैं ए भागा ये देखो करंट बड़ा 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 बड़ा, बड़ा चालीस वोल्टे पॉइंट फोर ए भाग गया। होते ही वो, शूट अप कर गया ये क्या शो कर रहा है ब्रेकडाउन तो जेनर डायोड जो है वो ब्रेकडाउन रीजन में काम करती है जो नॉर्मल डायोड है वो ब्रेकडाउन में जाते ही खराब हो जाती है इसलिए इसमें रिस्ट्रिक्टेड है हमने इस सर्किट में ब्रेकडाउन नहीं यूज कर रहे समझ में आई बात तो ये था आपका पीएन जंक्शन एक्सपेरिमेंटली ओके आगे देखिए